चैनल। तो आज मैं आपको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ अपने पेट से, जो कि एक बीगल है। आप इसके कान देख सकते हो एंड इसका नाम मैक्स है। यूँ तो ये वीडियोस में बहुत बार आ चुका है, बट ये वाला जो वीडियो है ना, ये स्पेशली मैक्स को डेडिकेटेड है। एंड ये बहुत ज़्यादा नॉटी एंड मिशीवियस है, आप इसकी हरकतें देख सकते हो। मैक्स अब देख रहे हैं, भाग गया। तो अभी मैं इसे अट्रैक्ट करूँगी ट्रीट देकर। मैक्स आ जाओ, ये देखो, पहले कैमरे में देखो, कैमरे में देखो तब मिलेगा, कैमरे में देखो ऐसे नहीं मिलेगा। मैक्स चाहिए, पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, सिट सिट सिट, पहले बैठ जाओ तब मिलेगा, सिट सिट, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिट। 1000 years later. Max, sit down. Very good. देखो ट्रीट के नाम पर कैसे Max सीधा बन गया। पहले shake hand करो, तब मिलेगा। Shake hand करो, shake hand, shake hand. चाहिए या नहीं चाहिए Max को? Very good. अभी Max को मैं ट्रीट दूंगी। Max को ये ट्रीट बहुत पसंद है। मैक्स चाहिए, गुड बॉय है मैक्स, है ना, गुड बॉय। अभी देखो गाइस, मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ एंड इसे मैं ऑर्डर दूंगी कि इसे नहीं खाना है। लेट्स सी इस पे वॉक करता है या नहीं। नो नो नो, खा गया, ट्रेनिंग बेकार। मैक्स अभी नहीं खाना है, के 7 बज रहे हैं और इसके ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हो गया है और ये ब्रेकफास्ट करेगा, देन अभिषेक के साथ जाएगा वॉक के लिए। तो पहले मैं इसे ब्रेकफास्ट देती हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे क्या देते हैं। गाइज, ये है मैक्स का ब्रेकफास्ट, रॉयल कैनिन का पपी फूड। ये मैक्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ये यही खा रहा है, हमने इसे पेडिग्री नहीं दिया है, तो ये मैक्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैक्स को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो पहले मैं इसे सर्व करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Coffee yet, got no makeup, how do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment. You, I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in slow-mo.
always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. 2 p.m. हमारा लंच टाइमिंग और पहले हम मैक्स को खाना देते हैं, अदरवाइज वो हमें खाने नहीं देगा. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज खाने में क्या है उसके, हम क्या देते हैं उसे खाने में. एंड मैक्स की बेचैनी देखो, खाने के लिए कैसा कर रहा है. तो ये है मैक्स का फूड, इसमें राइस है, देन इसमें कर्ड है. हम यूजुअली मैक्स को कर्ड के साथ ही देते हैं, बट आज कर्ड के साथ नहीं दे रहे हैं बिकॉज मौसम आज क्लाउडी हो रखा है. तो आज हम इसे चिकन देने वाले हैं. एंड ये दो चिकन है जो मैक्स यूजुअली खाता है, फर्स्ट है ड्रूल्स का एंड सेकंड रॉयल कैनिन का. तो अभी मैं इसके साथ मैक्स को देने वाली हूँ. एंड मैक्स देखो कैसे तड़प रहा है खाने के लिए. चलो ज़्यादा इसको वेट नहीं करवाते हैं, देते हैं, भूख लगी है इसे. चलो मैक्स दे दो, मैक्स बस करो मैक्स. चलो लो मैक्स को कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है. चलो हमारे कितने कपड़े ये चबा चुका है. चलो मैक्स दे दो प्लीज, मैक्स दे दो. लो सो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, हमने लंच कर लिया है. मेरे हस्बैंड और पीयू दोनों सो रहे हैं, मैक्स ने भी लंच कर लिया है, वो जगा हुआ है, उसकी हरकतें चालू है, वो कुछ कुछ में बिजी रहता है खुद में. एंड मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ, कल ही मैंने देखना शुरू किया था, रिजेक्ट एक्स सीजन 2. काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, रोमांस है, सस्पेंस है, मिस्ट्री है, सब कुछ है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो मैं आपसे देखने के बाद मिलती हूँ. Hey guys, good evening. तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है. एंड मुझे आप सबसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी, लाइक हमने बीगल क्यों परचेस किया, कोई अदर ब्रीड क्यों नहीं परचेस किया, एंड हम कब उसे लेकर आए थे. तो मैक्स अभी 1 ईयर का है एंड हम इसे 22 जुलाई लास्ट ईयर लेकर आए थे एंड उस टाइम वो 45 डेज का था, तो अभी 1 साल का हो गया है. एंड हमने बीगल क्यों लिया ये सब आपको अभिषेक बेहतर बता पाएंगे बिकॉज इनिशियली आई वॉज नॉट अ डॉग लवर, बट हाँ अभी मुझे मैक्स से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है. और पहले मुझे बहुत डर लगता था, तो इनिशियल डेज में जो भी किया है मैक्स के लिए सब मेरे हस्बैंड ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है. हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली बीगल लेने का मेरा मेन कारण ये था कि हमारा जैसा घर है कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, 2 BHK है. तो मैंने इंटरनेट में काफ़ी रिसर्च किया कि छोटे से घर के लिए कौन सा डॉग सूटेबल रहेगा. तो वैसे तो और भी डॉग्स हैं जो स्मॉल ब्रीड्स हैं, बट मुझे चाहिए था एक उछलता कूदता हुआ और एक इंटेलिजेंट डॉग. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बीगल इज़ द वन जो सूटेबल रहेगा मेरे घर के लिए. फिर मैंने जब इसे लाया तो ये 45 डेज़ का था. और रहा बात ट्रेनिंग की, तो मैंने इसे ट्रेनिंग खुद से ही दिया है और वो भी यूट्यूब से वीडियोस देख देख कर. जैसे मैंने इसे अभी ट्रेन कर दिया है, सेट बोलने पर ये बैठ जाता है, वेट बोलने पर कुछ भी काम करता है तो रुक जाता है, एंड डाउन.
तो ये सारी चीजें मैंने इसे सिखा दिया। प्लस मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं इसे ट्रेनिंग दे रहा था, जब ये छोटा था, अराउंड 45-50 डेज का था, तो मैं इसे ट्रेनिंग देने के लिए रात में 2-3 रातें तो मैं सोफे में अकेले सोया था, ये देखने के लिए ये कुछ चीजें इधर उधर तो नहीं कर रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे वेट ने ये बताया था कि सिंस इसके दांत निकल रहे होते हैं तो आपके घर के कुछ कुछ चीजों को भी चबाएगा। तो इनफैक्ट हमारे सोफे को भी इसने साइड से नोस दिया है। तो दिस इज हाउ आई हैव ट्रेंड दिस बीगल एंड आई एम प्रेटी हैप्पी विद हाउ आई हैव ट्रेंड इट। वन इटर्निटी लेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप आपने ब्लॉग इन्जॉय किया एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे सोने का टाइमिंग हो चुका है एंड मैक्स भी सोने वाला है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट एंड स्टे होम, स्टे सेफ।